आप सबको स्वागत है। हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 24वें के शिरोवतन की। दो चीज़ें हैं केवल जो कि परमात्मा चाहते हैं, एक है स्व परिवर्तन तपस्या के द्वारा और दूसरा है औरों को मदद करना परिवर्तन करने में। ये दो चीज़ें तभी पॉसिबल है जब हम परमपिता परमात्मा के कंपेनियन बने हुए हैं। हम उनके जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं सारी दुनिया में परिवर्तन लाने के लिए, लेकिन उसके लिए स्व परिवर्तन वो तभी हो सकता है जब हम परमात्मा के क्लोज होते हैं, निकट होते हैं, निकटतम हम संबंध में रहते हैं। तो देखिए आज परमात्मा इन्हीं दो चीज़ों के बारे में क्या कहते हैं, तपस्या और सेवा। तपस्या और सेवा द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का सिंहासन लेने वाले सिंहासनधारी भव। जो बच्चे यहाँ सेवा की सीट पर नजदीक है, दैट मीन्स जो कि परमात्मा के जितना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं सारी दुनिया में परिवर्तन लाने के लिए, और उनको महसूस होता है कि दुनिया में दुख बहुत है, अनात्माओं को इसकी जरूरत है, और वो भाग भाग करके तन मन धन से सेवा कर रहे होते हैं। जितना यहाँ सेवा के सहयोगी उतना वहां राज्य के सदा साथ है, क्योंकि जितनी आत्मा को इस समय मदद करी है सुख शांति दिलवाने में परमात्मा से जुड़ करके, तो उतनी ही आत्मा परिवर्तन हुई हैं और उतनी आत्माएं पवित्र बनी हैं, तो वो सारी आत्माएं आपके साथ में जाएंगी नेक्स्ट युग में, क्योंकि तो युग परिवर्तन का समय चल रहा है। उसे परमात्मा कहते हैं यहाँ तपस्या और सेवा का आसन और वहाँ राज्य भाग्य का सिंहासन। तो यहाँ पे हमने तपस्या करी जिससे हमने अपने आप को परिवर्तन किया, और फिर सेवा करी ताकि हम औरों को भी हेल्प करें परिवर्तन करने के लिए और परमात्मा से जोड़ें, और वहाँ राज्य भाग्य का सिंहासन। सत्युग में राज्य भाग्य का सिंहासन, क्योंकि यहाँ पे जो हमने कर्म किए हैं उसका फल तो हमें सत्युग में मिलेगा ही मिलेगा। जैसे यहाँ हर कर्म में बाप दादा की याद में साथी हैं, हम कर्म योग करते हैं उनको साथी बना करके, कोई भी कार्य करना उसमें उनकी याद में करते हैं, सो वो हमारे साथी बन गए। वैसे वहाँ हर कर्म में बचपन से लेकर राज्य करने के हर कर्म में साथी हैं, सत्यु की बात हो रही है। यहाँ जो हम कर्म कर रहे हैं उनके साथ में मिलकर के, वही कर्म हम सत्यु में जाकर के उनके साथ में कर पाएंगे, मतलब कर्मों का फल वहां पे इजी होगा। और जो सदा समीप सदा साथी परमात्मा के समीप बाप दादा के समीप नेचर में कैरेक्टर में पर्सनालिटी में सदा साथी परमात्मा के साथ मिलकर के उनके साथ देना सदा सहज योगी परमात्मा के साथ में याद में रह करके हर एक कार्य करना सदा तपस्या और सेवा के आसन पर रहते हैं। तपस्या मतलब स्व परिवर्तन और औरों को हेल्प करना परिवर्तन करने के आसन पर रहते हैं, वही भविष्य में सिंहासनधारी बनते हैं। ये सारी कंडीशंस हैं, परमपिता परमात्मा कह रहे हैं कि स्वर्ग में जाना कोई मासी का घर नहीं, कोई खेल नहीं है, छोटा सा बचपन का खेल नहीं है, एक सीरियस चीज़ है जिसमें हम तपस्या से स्व का परिवर्तन करते हैं और फिर और आत्मा को भी मदद करते हैं अपने अंदर झांक करके देखने में, जो कि परमात्मा के साथ जुड़ करके होता है और जोड़ करके होता है उनको सेवा में। तो ये सारी चीज़ें ब्रह्मा कुमारी में आपको सीखने को मिलती है और डिटेल्स में जानने के लिए, क्योंकि परमात्मा स्वर्ग की रचना कर रहे हैं और उसमें अगर हम उनके सहयोगी बने तो वह क्या भाग्य में ऐसी आत्मा के। ओम शांति के साथ।